سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما नारु नारु हामिया तफसर सूरत इसमें मेन तो पस का इसका क्या मत कही फरमा रहा है कि वो खटखटाने वाली आयत नंबर एक में चूंकि जो आवाज होगी वो बहुत सख्त होगी जैसे फरमाता है आयत नंबर तेरह में के और ज़मीन और पहाड़ों को उठाया जाएगा बस दोनों टकरा दी जाएंगे और एक बार टकरा देना और इस तरह उस आवाज़ की इतनी शिद्दत होगी कि पहाड़ और ज़मीन भी आपस में टकरा जाएंगे इतनी शिद्दत वाली आवाज़ होगी और फिर तरह दूसरी आदम में फरमाता है क्या है वो खटखटाने वाली क्या तौर यानी कि सवाल कर वो इतनी अजीमशान अजीब वरीब है कि मखलूक में से कोई इसकी शिद्दत और अज़मत जानता ही नहीं कि तुझे बताए बताएँ लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है और इसने ख़ुद ही अब अगली याद में बयान फरमा दिया है आय नंबर तीन में और तुझे किस चीज़ ने मालूम करवाया कि वो खटखटाने वाली क्या है यानी कि अल्लाह ताला ही हमें ये बता रहा है ख़बरदार कर रहा है उस क्यामत से कि अल्लाह की रहमत है हम पर नबी सलाम के ज़रिए जो उसने कुरान हासिल के हम पर हमें पहले ही बता दिया उस क्या के बारे में ताकि हम उस लिए तैयारी कर लें आय नंबर चार में अल्ला फरमाता है कि जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे परवाना आपने देखा होगा जैसे वो टकराते घूमते फिरते पास में आग की तरफ जा रहे होते हैं तो इसी तरह जो लोग हैं क्या के दिन भी ऐसे ही जैसे कमर में आज नंबर आठ में, में तक फरमाता है कि उनकी नज़रें झुकी होंगी और वो कपड़ों से निकलेंगे जैसे वो फली हुई टिडियाँ हों पकड़ने वाले की तरफ गर्दन उठाकर दौड़ने वाले होंगे और फिर सरत इब्राहिम में फरमाया आज नंबर तैंतीस में कि इस हाल में के तेज़ दौड़ने वाले अपने सरों को ऊपर उठाने वाले होंगे इनकी निगाह इनकी तरफ नहीं लौटेगी और इनके दिल खाली होंगे और फिर एक और आया सूरत में सुरतुलतहा में आतंबर एक सौ आठ में अल फरमाता है इस दिन वो पुकारने वाले का पीछा करेंगे जिसके लिए कोई कजी ना होगी और वहाँ पहुँच कर अभी इन्हें करार नहीं होगा बल्कि इसी तरह बेकरार और बेताब भागते फिरेंगे और सुरत अबस हाँ में फिर अल्ला फरमाता है आतंबर तैतीस में ता अठतीस जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा इस दिन इनमें से हर शख्स की एक ऐसी हालत होगी जैसे दूसरों से बेपरवाह बना देगी यानी कि को, ना कोई बेटा बेटी बेटी का ना कोई अपने रिश्तेदार का ख्याल करेगा सब को अपनी पड़ी होगी सब अपनी फिक्र करेंगे कि काश हम बच जाएं किस तरह हम इस अजाब से बच जाएं और फिर आयत नंबर पाँच में तो फरमाता है कि और पहाड़ थंकी हुई रंग, रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे जैसर तोलतहा तो तो में भी अल्लाह ताली ने फरमाया आयत नंबर एक सौ पाँच में और वो तुझसे पहाड़ों के मुताबिक सवाल करते हैं तो कह दे कि मेरा रब यानी अल्लाह इन्हें खूब अच्छी तरह थंक कर रख देगा चूँकि पहाड़ सुर्ख सिया सफ़ेद और बेशुमार रंगों के होते हैं इसलिए जब वो धंके जाए तो रंगी और धंकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे इसके बाद आत्म अच्छे में महीने तकनवाता है लेकिन वो शख्स जिसके पढ़ रहे भारी भारी होंगे यानी कि जिस शख्स के अमाल अच्छे होंगे जिस शख्स के अमाल ज़्यादा होंगे और उसने निकियाँ ज़्यादा की होंगी और बुराइयों से बचा होगा तो वो शख्स वो फ़ायदे में होगा या दर क्यामत की जो संगीन हालत है उसके जगह फरमा के, के कह रहा है कि इतनी ये सख्त हालत होगी लेकिन जिस शख्स के माल अच्छे होंगे फिर और अगर आयत नंबर सात में तो तो खुशी की जिंदगी में होगा और फिर आयत नंबर आठ में धर्माता है लेकिन वो शख्स जिसके परड़े हल्के होंगे यानी कि इसके जो नेक अमाल हैं वो कम होंगे तो इसकी ठिकाना इसका ठिकाना हाविया है यानी कि जहनुम है तो इसमें अल्ला ने हमें कारिया में पहले हमें जहन, जहनुम की कैफियत बताई और उसकी संगीनी बताई और फिर बाद में फरमा दिया कि इससे बचने की राह भी अल्लाह ने हमें बता दी पहले अल्लाह ने हमें बताया कि उससे डराया कि कितनी वो खौफनाक चीज़ होगी और फिर उसका रास्ता ही बता दिया बचने का कि जिसके नएकमाल ज़्यादा होंगे उसके पड़ भारी होगा वो बच जाएगा और जो जिसका पड़े हल्के होंगे नेक कमाल के ने ने का कम होंगी तो उसका जो ठिकाना है वो हाविया यानी कि जनुम है तो अल्लाह हमें सबको इस पर फ़रमा करने के की तफी कदरमा बुराइयों से बचने की गुनाहों से बचने की गुनाह हो भी जाए तो तोबा करें इसतगार करें अल्लाह माफ़ फरमाए और नेकमाल कसरत से करते रहें अल्ल से सवाब की उम्मीद रखें किल्ला में इस नकमाल भी बहुत ज़्यादा अजर देगा इंशाल्लाह